नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे बीफ फ्राई तवा कलेजी मसाला। इसको बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं बीफ कलेजी क्यूब्स में कटी हुई 750 ग्राम, पानी हसब ज़रूरत, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, सिरका 3 से 4 खाने के चम्मच, प्याज 3 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई, ऑयल 1 कप, अजवाइन 1 चुटकी, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, ज़ीरा 1 टी स्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टी स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, दही 1 कप, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 अदद, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, अदरक 1 इंच का टुकड़ा जुलियन कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून। तरकीब, सबसे पहले आप एक बाउल लें, उसमें कलेजी, सिरका और लहसुन पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स करें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसे पानी से अच्छी तरह धो लें। अब एक तवा लें और उसमें ऑयल डालकर गर्म कर लें। अब इसमें एक चुटकी अजवाइन, लहसुन अदरक पेस्ट और बारीक कटी हुई प्याज डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लें। अब इसमें आप दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, साबुत धनिया और ज़ीरा डालकर इसे अच्छी तरह भून लें। अब आप इसमें कलेजी डालें और उसे अच्छे से मिक्स करके 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। अब आप इसमें नमक, लेमन जूस और कसूरी मेथी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें और 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। फिर आप इसमें जूलियन कट अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के इसे गार्निश करें और इसे आप नान या चपाती के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।